फेवरेट अंजना सिंह ब्लॉग। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गणपति जी की पूजा बहुत अच्छी रही, गणपति जी की डेकोरेशन बहुत अच्छी रही, गणपति जी का विसर्जन बहुत अच्छा रहा, और सबसे अच्छा रहा आप लोगों का साथ। काफ़ी सारे लोग आप लोगों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, शेयर की, फ़ोटोज़ काफ़ी पसंद की आप लोगों ने, मेरे सारे ब्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं। एंड देखते ही देखते एग्जैक्ट गणपति जी के दिन पे 1.50 के सब्सक्राइबर भी हो गए मेरे, तो थैंक यू सो मच। तो आज हम निकल पड़े हैं अपने एक शूट के लिए, और जाना पड़ रहा है आउट ऑफ मुंबई मुझे, तो आप भी चलिए, हमने सोचा आपको अपने साथ घुमाएं। एयरपोर्ट पे एक पैसे नहीं खर्चा करूंगी, और इस रैपिंग में ना मेरे 500 रुपए ले लिए, 500 रुपए का रैप हुआ है, गया नुकसान, सुबह नुकसान करना पड़ता है प्रोड्यूसर से। ले इंतजार कर के थक गई मैं, अभी तक ये लोग आए नहीं, पास में लेके मैं बैठी हुई हूँ। कैसे लोग, सोचा था जल्दी एयरपोर्ट पहुँचेंगे, पावर बैंक भी लेना है फ़ोन के लिए, तो इनको मेरा वेट करना चाहिए क्या? ज़माना है घोर कली, स्टाफ को मेरा वेट करना चाहिए, तो मैं ही स्टाफ का वेट कर रही हूँ। सही है, कभी कभी डाउट होता है वो मेरे स्टाफ है कि मैं उनके स्टाफ। आ ही नहीं रहे ना वो आदमी। ये है मेरा स्टाफ दोस्तों, इतनी देर से जिसने मुझे कराया इंतज़ार, ये है मेरा स्टाफ। ले लो भाई, शुक्र मनाओ कि मेरे जैसे आपको बॉस मिली है, है? ये अरे मेरा टिकट वापस दो भाई, मैं जाऊँ जल्दी से। ये यही है, पहचानिए ये चेहरा, इस चेहरे को पहचानिए आप लोग। पानी तक नहीं पीने दिया इन लोगों ने, जाओ बस सब। अच्छा और क्या, 50 दिन के लिए जा रहे हो क्या आप लोग? और सामान नहीं था हैं? इतना बड़ा बड़ा बैग कौन? मैं जा रही हूँ, फटाक से आ जाओ, सिक्योरिटी चेक करके आ जाओ, सुन रहे, टाइम मत लगाना,
पटक मैं जा रही सिक्योरिटी चेक करने। ये अभी समझ में आया, बिकॉज पहले यहाँ पे था ये लाइक स्टेयर्स उतरने के बाद ही सिक्योरिटी चेक था, बट अभी स्टार्टिंग में ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सिक्योरिटी चेक एक साथ कर दिया है। मुझे तो लगा वापस से सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, बट नहीं, बच गए सब कुछ एक जगह है। मुझे लगता है ये लाइफ में अभी तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया है ये पहली बार है कि मैं थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पर पहुँची, इसलिए मैं रिलैक्स हो गई, सब काम डन। ऐसा भागते भागते मेरे को गेट पे नहीं पहुँचना है। फाइनली पेट पूजा। खाना जरूरी है बेटा, खाने के लिए मेहनत होती है। हम लोग को दे दिया था, हम लोग के बोर्डिंग पास दे दिए थे। मैंने बोला आप लोग आओ फटाफट अपना सब चेकिंग वगैरह करके बैग वगैरह डाल, आ रहे होंगे। मैं इधर खाना खा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, मुझे लेना था पावर बैंक, कहीं मिल ही नहीं रहा, मुझे दिखा ही नहीं, मुझे स्टोर ही नहीं दिखा। जो स्टोर मुझे चाहिए था वो दिखा ही नहीं। मैंने बोला इससे पहले मेरी फ़्लाइट का टाइम हो जाए तो अच्छा खा लेते हैं, ताकि जो फ़्लाइट का टाइम है ना उसमें मैं सो जाऊँ। प्रो में तो हम लोगों को सीख मिली है, बट हंसो मत ना, जब पास लाए तो बैठ के मुँह छुपा रहा है, हवा छुपा रहा है, या अपने कैसे छुपा। ये लोग ने दिमाग का वैसे ही तही कर दिया, कोई बात नहीं, जाते उसके बाद जनता का जन्म। ब्लॉग में मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे पास सावन के फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने बनाया था, तो मैंने बोला कि मेरे पास बहुत ही प्यारा सा वो है, महाकाल का शॉल है, गमछा है, दुपट्टा है, जो मन है वो बोल सकते हैं। फाइनली आज मैंने उसको निकाला और आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ, और ये उसको ओढ़ के जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी उसको ओढ़ के सोने वाली हूँ। ये लोग देख रहे हैं खराब आदमी, बेकार आदमी। इस वेलकम के लिए, और अब हो जाए थोड़ी सी पेट पूजा। लाडो को कर लेती हूँ कॉल। मम्मा को मिस कर रही हूँ।
सॉरी इसके पहले वाला वीडियोस नहीं बना पाए, लैंड के बाहर आए, ट्रैवल किए, घर होटल पहुँचे, फिर डिस्कशन हुआ स्क्रिप्ट को लेके, सॉन्ग्स को नहीं, ये वो। अभी ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी है और मेकअप चल रहा है और अभी हमारा गाना है जिसका शूट करना है। तो दिन भर ट्रैवल कर रहे थे, थक चुके हैं। अरे यार ये खिंच रहा दीदी। हाँ चलो बनाओ, कोई नहीं बनाओ बनाओ, हो गया। ये है हमारा रूम, मैंने तो रूम भी आप लोगों को नहीं दिखाया। ये रहा हमारा रूम और सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, फटाफट रेडी होना है। मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होके। सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हम लोग ऐसे ही हैं, सकते रहते हैं बस।